दोस्तों, यदि आप एक फ्री फायर प्लेयर है तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे फ्री फायर में लक रॉयल के अंदर इंक्यूबेटर पे एक न्यू वेपन स्किन आ चुका है जो कि थॉमसन का है, जहां पे दोस्तों 4 स्किन दिया गया है और 4 स्किन का अलग अलग एट्रीब्यूट भी दिया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे 4 स्किन को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस 4 स्किन में से सबसे रेयर वाला जो स्किन है वो ये है, और इस स्किन को लेने के लिए आपके आईडी पे 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट चाहिए होगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि एवोल्यूशन स्टोन और ब्लूप्रिंट डायमंड से स्पिन करके निकालना होता है, और यदि आपके पास इंक्यूबेटर वाउचर है तो उससे भी आप स्पिन करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इंक्यूबेटर वाउचर आप सबको कहां पे मिलेगा ये जानने के साथ साथ यदि आप डायमंड से स्पिन करके 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट निकालना चाहेंगे तो इस केस में आप सबका मैक्सिमम कितना डायमंड खर्चा हो सकता है, यदि आप सब जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि फाइलों के इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को इंक्यूबेटर वाउचर कहां पे मिलेगा ये दिखाने के साथ साथ डायमंड से स्पिन करके 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट निकाल के इस गन स्किन को निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद फिर आप सबको भी बताऊंगा कि मेरा कितना डायमंड खर्चा हुआ, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आपके आईडी पे कितना डायमंड खर्चा हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में भी मैं अपने आईडी पे डायमंड लेकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना आईडी ओपन कर लिया है, तो जैसे मैं यहाँ पे लक रॉयल पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थॉमसन गन का स्किन दिया गया है इंक्यूबेटर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे 4 स्किन दिया गया है और हर एक स्किन का अलग अलग एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे रेयर वाला जो स्किन है जिसके लिए यहाँ पे 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, तो इसे ही लेके मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो स्पिन करने से पहले मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि इंक्यूबेटर वाउचर आप सबको कहां पे मिलेगा। तो भाई लोग, मैं आप सबको बता दूं कि अभी के टाइम एक इवेंट दिया गया है जहां से आप सबको बिल्कुल फ्री में इंक्यूबेटर वाउचर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको गेम प्ले करना होगा। तो एक गेम प्ले करने पर आपको एक इंक्यूबेटर मिलेगा। जैसे कि भाई लोग, यहां पे हाइलाइट्स के अंदर आफ्टर मैच ड्रॉप का एक इवेंट दिया गया है जहां पे दोस्तों इंक्यूबेटर वाउचर के साथ साथ और भी कहीं सारे रिवॉर्ड्स बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको यहां पे बस गेम प्ले करना है। तो एक मैच एंड होते ही दोस्तों आपको यहां पे इंक्यूबेटर वाउचर या फिर दोस्तों ये जो रिवॉर्ड्स यहां पे दिखाया गया है ये आप सबको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कुछ महीने पहले इंक्यूबेटर वाउचर FF टोकन या फिर दोस्तों गिल्ड टोकन के माध्यम से लिया जा सकता था, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे FF टोकन के अंदर इंक्यूबेटर वाउचर नहीं दिया गया है, हटा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यहां पे गिल्ड टोकन के माध्यम से भी इंक्यूबेटर वाउचर लिया जा सकता था पहले, लेकिन दोस्तों अभी यहां पे इंक्यूबेटर वाउचर को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप यहां पे डायमंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पे स्पेशल ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आपको यहां पे एक ऑफर देखने को मिलेगा जहां पे दोस्तों आपको यहां पे 290 रुपया पेमेंट करना है जिससे आपको यहां पे 10 इंक्यूबेटर मिलेगा। तो भाई लोग, मैं आप सबको बता दूं कि आप यहां से 290 रुपया दे करके इंक्यूबेटर वाउचर नहीं परचेस करिएगा, क्योंकि भाई लोग मैं आप सबको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूं कि यदि आप यहां से 290 रुपया दे करके मतलब पेमेंट करके 10 इंक्यूबेटर परचेस करते हैं तो इस इंक्यूबेटर से कुछ नहीं होगा। जैसे कि भाई लोग, मैंने यहां पे 290 रुपया से 10 इंक्यूबेटर वाउचर ले लिया है। चलिए अभी आप लोगों के सामने ही स्पिन करके दिखाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 5 इंक्यूबेटर वाउचर से यहाँ पे 5 स्पिन ले लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है स्पिन। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। तो भाई लोग, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक दोस्तों आप डायमंड से स्पिन नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कि भाई लोग, यहाँ पे मेरा 5 इंक्यूबेटर वाउचर बेकार में जा चुके हैं, ना ही मुझे एवोल्यूशन स्टोन मिला है और ना ही ब्लूप्रिंट मिला है। चलिए इस बार देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप लोग दोस्तों 90 रुपया दे करके इंक्यूबेटर मत खरीदिएगा। यदि आपके पास डायमंड है तो डायमंड से ही स्पिन करिएगा। चलिए भाई लोग, यहाँ पे आप भी डायमंड से स्पिन करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप सबको दिखाते हैं कि कितना डायमंड मेरा यहाँ पे खर्चा होता है। जैसे कि भाई लोग, मेरे आईडी पे अभी 4235 डायमंड है। चलिए भाई लोग, यहाँ पे पहला स्पिन 40 डायमंड वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पे एवोल्यूशन स्टोन या फिर ब्लू प्रिंट मिलता है या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों यहाँ पे 40 डायमंड वाला स्पिन पे मिलेगा। क्या आपको कभी भी
एवोल्यूशनरी स्टोन या फिर ब्लूप्रिंट 40 डायमंड वाला स्पिन पे मिला है, आप लोग कमेंट पे बता दीजिएगा। तो पहला स्पिन में नहीं मिला है, दूसरे स्पिन में भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। चलिए अभी इस बार यहाँ पे 180 डायमंड दे करके 5 स्पिन कर लेते हैं, देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तो वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए है तो अभी एक लाइक कर दीजिए। तो पहला स्पिन पे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं 180 डायमंड वाला स्पिन, वो भी फटाफट से। जैसे दूसरा स्पिन भी कर दिया है, तीसरा भी कर दिया है, चौथा भी यहाँ पे मैंने कर दिया है, और इस बार दोस्तों मुझे यहाँ पे मिल चुका है एवोल्यूशनरी स्टोन। चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं स्पिन, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ट्रिक आजमाते हैं, मतलब अपना कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं और चेंज करके यहाँ पे अपना मिसे कैरेक्टर को ले लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे स्पिन करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस बार यहाँ पे ब्लूप्रिंट मिलता है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है ब्लूप्रिंट, यार कमाल हो गया। तो भले ब्लूप्रिंट निकलता ही नहीं यार, काफ़ी देर के बाद निकलता है। तो फाइनली एक ब्लूप्रिंट मुझे यहाँ पे मिल चुका है और दो चाहिए। चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं अपना कैरेक्टर को चेंज, उसके बाद फिर यहाँ पे स्पिन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पे लिया है दूसरा कैरेक्टर, चलिए दूसरा कैरेक्टर के पावर यहाँ पे देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मिल चुका है और एवोल्यूशनरी स्टोन। तो 6 एवोल्यूशनरी स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट हो चुके हैं, तो और 1 एवोल्यूशनरी स्टोन और 2 ब्लूप्रिंट चाहिए, क्योंकि भले मेरे आईडी पे पहले से ही 4 एवोल्यूशनरी स्टोन था। चलिए इस बार यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो इस बार के स्पिन में यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर से करते हैं यहाँ पे, इस बार भी नहीं मिला। अरे यार मिल जा, और यहाँ से मेरा वाइफ का फोन आ रहा है यार। चलिए फिर से करते हैं यहाँ पे स्पिन, उससे पहले यहाँ पे अपना कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पे लिया है सबका फेवरेट एडम चाचा, चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं स्पिन। एडम की जय हो, देखते हैं इस बार यहाँ पे क्या मिलता है। मिल जा यार, अरे यार काटना फोन को। चलिए फिर, अरे यार एडम चाचा की जय हो। तो फाइनली मेरे आईडी पे बन चुका है 7 एवोल्यूशनरी स्टोन। तो चलिए मतलब फिर से यहाँ पे करते हैं स्पिन, उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं कि और कितना डायमंड खर्चा करने पर यहाँ पे मुझे और 2 ब्लूप्रिंट मिलता है। चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं अपना कैरेक्टर को चेंज, तो इस बार यहाँ पे लेंगे नल्ला कैरेक्टर को। चलिए इस बार यहाँ पे स्पिन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे मिलता है यार। नहीं, नहीं मिला। 2 स्पिन किया, इस बार भी नहीं मिला। अरे यार तू नल्ला ही है। चलिए इसे चेंज करके यहाँ पे लेते हैं, इस बार कौन सा कैरेक्टर लेंगे। चलिए यहाँ पे फिर से लेते हैं मिसा कैरेक्टर को। चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं स्पिन, देखते हैं कि इस बार यहाँ पे मिलता है या नहीं। ब्लू प्रिंट चाहिए यार, और 2 ही ब्लू प्रिंट चाहिए। तो इस बार नहीं मिला, फिर से करते हैं यहाँ पे फटाफट से। इस बार भी नहीं मिला, लगता है मिसा कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। फिर से यहाँ पे चेंज करते हैं, इस बार मैंने यहाँ पे लिया है आलोक चाचा को। चलिए फिर से यहाँ पे करते हैं स्पिन, कर दिया है मैंने यहाँ पे स्पिन, देखते हैं आलोक से क्या मिलता है। तो स्पिन होने के बाद दोस्तों, अरे यार फिर से यहाँ पे एवोल्यूशनरी स्टोन। ऐसा ही होता है यार, जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है यार। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है, अरे यार बोलते बोलते मिल गया यार। तो फाइनली मेरे आईडी पे हो चुका है 2 ब्लूप्रिंट, तो और 1 ही ब्लूप्रिंट चाहिए यार। और अभी मेरे आईडी पे 1095 डायमंड है यार। चलिए फिर से करते हैं स्पिन, इस बार भी नहीं मिला। चलिए फटाफट से स्पिन करते हैं और आप सबको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 5.5 डायमंड चले गए यार, और 1 ही स्पिन कर पाऊंगा मैं। क्या होगा मेरा, क्या मुझे मिलेगा। चले भले यहाँ पे हुकुम कैरेक्टर को ले लिया है मैंने इस बार, देखते हैं हुकुम का क्या पावर है। अरे यार हुकुम का कोई भी पावर नहीं है यार, तो खेलने में ही माहिर है यार। चले फिर से यहाँ पे करते हैं स्पिन, और 1 ही स्पिन कर पाऊंगा यार। जय भोलेनाथ, मिल जा यार, इस बार तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो दोस्तों फिर से मुझे यहाँ पर टॉपअप करना पड़ेगा। अरे यार नहीं मिला। तो दोस्तों आप सब समझ सकते हैं कि मेरे आईडी पे 4000 से भी ज़्यादा डायमंड था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों इस वाले गन स्किन को मैं ले नहीं सकूंगा, दूसरे वाले गन स्किन को ले सकूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आप सबको पहले वाले जो रेयर वाला आइटम है इसे ही लेके दिखाऊंगा। चलिए अभी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में अपने आईडी पे डायमंड ऐड करके दिखाते हैं। तो दोस्तों फ्री फायर फ्री डायमंड का जब बात आते हैं तो विंजो का नाम आते हैं। जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे विंजो स्टोर पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ से डायमंड लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लूंगा 1080 प्लस 108 डायमंड, इसके लिए मुझे यहाँ पे 835 रुपया पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों मेरे विंजो के अंदर 835 रुपया नहीं है, 500 रुपया है। चलिए इस 500 रुपया से यहाँ पे गेम प्ले कर लेते हैं। तो मेरा फेवरेट गेम है यहाँ पे स्नेक्स एंड लेदर्स, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 500 रुपया चूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्ले नाउ करते हैं। तो भाई लोग आप लोग भी यहाँ पे विंजो के माध्यम से गेम प्ले करके जीत सकते हैं, और जीता हुआ अमाउंट से ही दोस्तों डायमंड ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सबको लिंक मिलेगा, तो लिंक पे क्लिक करके विंजो ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लीजिएगा, जिससे आपको 20 रुपया मिलेगा, और उसी 20 रुपया के माध्यम से ही आप गेम प्ले करके
जीत सकते हैं और जीता हुआ अमाउंट से ही आप डायमंड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जीत गया हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर पे मेरा नेम दिखाया गया है और मुझे यहाँ पे 900 रुपया मिल चुका है। तो इसी जीता हुआ अमाउंट से ही दोस्तों मैंने यहाँ पे डायमंड परचेस कर लिया है। चलिए यहाँ पे चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे डायमंड का कार्ड पासवर्ड दे दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से विंजो के माध्यम से लाखों में डायमंड लिया है अपने आईडी पे। चलिए यहाँ पे पहले वाले जो डायमंड है जिसको मैंने अभी अभी परचेस किए हैं इसे यहाँ पे रिडीम करते हैं। कॉपी एंड रिडीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो चुका है। चलिए अभी यहाँ पे प्लेयर आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्लेयर आईडी यहाँ पे डाल के यहाँ पे सिंपली से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे मेरा गेम नेम दिखाया गया है। चलिए अभी आप लोगों के सामने ही अपना फ्री फायर गेम ऐप ओपन करके रिडीम करके दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपना गेम बूस्टर के माध्यम से साइड से क्रोम ऐप को ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे वो वाला पेज ओपन हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे कार्ड पासवर्ड डाल देते हैं। तो कार्ड पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए अब यहाँ पे कंफर्म करते हैं और डायमंड ऐड करके आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि भले यहाँ पे कंफर्म करते ही मेरे आईडी पे 1100+108 डायमंड ऐड कर दिया गया है। चलिए भले फिर से यहाँ पे 180 डायमंड वाला स्पिन करके देखते हैं कि यहाँ पे इस बार और एक ब्लूप्रिंट मिलता है या नहीं। तो पहले वाला स्पिन पे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला है यार। अरे यार एवोल्यूशन स्टोन फिर से, ऐसा क्यों हो रहा है यार। चलिए फिर से यहाँ पे अपना कैरेक्टर को चेंज करते हैं। तो इस बार मैंने यहाँ पे जस्टिन भाई को लिया है, देखते हैं कि इस बार यहाँ पे क्या होता है, क्या मुझे मिलेगा। अरे यार नहीं मिला, फिर से करते हैं स्पिन। अरे यार इस बार भी नहीं मिल रहा। अरे यार तीन तीन स्पिन मैंने यहाँ पे कर दिया है। जस्टिन बीबर का क्या पावर रहा है यार। तो चलिए इस बार मैंने यहाँ पे लिया है जोटा कैरेक्टर, देखते हैं इस बार यहाँ पे क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड रॉयल के अंदर स्पिन वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि भाई लोग और मैं यहाँ पे टॉपअप नहीं करूंगा, ये मेरा लास्ट बर्ड का टॉपअप था। देखते हैं कि इस बार यहाँ पे और एक ब्लू प्रिंट निकलते हैं या नहीं। तो और दो ही स्पिन में यहाँ पे कर पाऊंगा 180 डायमंड वाला, देखते हैं इस बार यहाँ पे मिलता है या नहीं। अरे यार नहीं मिला, और एक ही स्पिन कर पाऊंगा यार, इस बार तो मिलना ही चाहिए यार, देखते हैं। अरे यार मिल गया फाइनली दोस्तों, यहाँ पे मुझे और एक ब्लू प्रिंट मिल गया यार लास्ट बार के स्पिन पे। लगता है गरीना को पता चल गया है कि यह बंदा और टॉपअप नहीं करेगा, इसलिए दोस्तों मुझे यहाँ पे फाइनली दे दिया है और एक ब्लू प्रिंट। तो फाइनली मेरे आईडी पे बन चुके हैं 9 स्टोन और 3 ब्लू प्रिंट। चलिए इस गन को यहाँ पे ले लेते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है फाइनली थॉम्सन का रियल वाला स्किन, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि मेरा यहाँ पे 3 ब्लू प्रिंट निकालने के लिए 5299 डायमंड खर्चा हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात हो जाते हैं। मैं आप सबको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अपना खुद का पैसा खर्चा करके डायमंड वगैरह परचेस करें। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उस पर दिया गया लिंक पे क्लिक करके विंजो ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में डायमंड ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब ने ये देखा कि 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट निकालने के लिए मेरा 10 इनक्यूबेटर वाउचर के साथ साथ 5000 से भी ज्यादा डायमंड खर्चा हो गया। तो यदि आप इस गन का स्किन को निकालने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे में सोच समझ के निकालिएगा, क्योंकि भाइयों यदि आप अपना खुद का पैसा खर्चा करके अपने आईडी पर डायमंड परचेस करते हैं तो इस केस में काफी सारे पैसे आपका जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान में रख के इस गन का स्किन को निकालने के बारे में सोचिएगा। सो भाइयों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतने बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और फिर मन में कोई सवाल होगा तो हमसे कमेंट कर दीजिएगा। और जब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन में क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई फ्री फायर जानकारी वीडियो आप सबके लिए डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।